दूसरों को प्रकट करते हैं और जो दूसरे होते हैं उसे सुनकर समझते हैं। तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसे बोलकर हम दूसरों तक प्रकट करते हैं और उसे सुनकर भी समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं वो भी मौखिक भाषा ही है, जब हम घर पर टीवी देखते हैं वो भी मौखिक भाषा है, या फिर किसी के द्वारा भाषण दिया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा को हम कुछ पल में दूसरों के साथ जब बात करते हैं, कुछ क्षण बीत जाने के बाद हम उससे जब पूछते हैं तो शायद कुछ ऐसे बातें छूट जाती है, लेकिन लिखित भाषा जो है हम जिस तरह से लिख कर रखे रहते हैं वो वर्षों तक वह उसी प्रकार ही रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्थायी भाषा। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं अखबार, कहानी लेखन और लैपटॉप पर कार्य करना, पत्र लिखना, ये लिखित भाषा है। इन भाषाओं को हम लिखने के ढंग यानी कि अक्षर को जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि के माध्यम से ही हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, बंगला की लिपि बंगला, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी फारसी में लिखी जाती है, तमिल तमिल में लिखी जाती है और चीनी भाषा आपका चित्रलिपि में लिखी जाती है। भाषा भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के द्वारा ही हम छोटी छोटी से बात जो हमारे मन के अंदर में होती है उनको दूसरे तक बोलकर हम अपने मन को हल्का करते हैं या उसे समझ